Good evening, ladies and gentlemen. My name is Vyom Garg. I am from DNG College. And today I am going to convey my views in the form of poetry in front of you. Now I would like to convey myself in my mother tongue, that is Hindi. Because like sir said, Bhasha koi bhi ho, par Bhasha Bharatiya honi chahiye. Isliye main Hindi mein bolunga. Ab ye poetry jo hai meri, ye bilkul ek sachi incident par aadharit hogi. मैं डीजी कॉलेज में गया, जाते के बाद मैंने देखा भाई बहुत सारे लोग थे, अपन डर गए यार, फिर इतने लोगों के मिशन को अपन कॉम्प्लीट कर गए, ठीक है। उसमें से मेरी दोस्त रागनी सेनी, हालांकि मैं नाम इस दोस्त का नहीं चाहता लेकिन फिर भी मैंने किया। अब कॉलेज में क्या होता है, एज आई एम कॉलेज स्टूडेंट फर्स्ट ईयर, तो उसको कुछ लड़के जो थे बहुत टीज करते थे, तो बेचारी रहती परेशान। अब वो परेशान रहती थी, अब एक बार क्या हुआ उसको इतना बोल दिया कि उसके घर तक बात चली गई, वो डिप्रेशन में आ गई। डिप्रेशन के बारे में उसके भैया ने उसको डांट दिया, पापा ने डांट दिया, अब वो डर रहे, लोगों के सामने नहीं जा रहे, बोले मैं कॉलेज नहीं आऊंगी। तब मैंने एक बात उससे कही थी और वो बात हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा उनकी एक रचना में है, शायद जैसा एक्सपीरियंस मुझे हुआ है वैसा ही हरिवंश राय बच्चन जी को भी हुआ होगा, तब उन्होंने ये कविता में सृजित किया होगा। मैंने उससे कहा था तू खुद की खोज में निकल, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। ये तुझसे लिपटी बेड़ियां, जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझना इनको वस्त्र तू। मैं सभी लड़कियों को अपनी पोएम डेडिकेट कर रहा हूं, ना कि केवल मेरी फ्रेंड को। ये तुझसे लिपटी बेड़ियां समझना इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। चरित्र जब पवित्र है, अब ये बात जो ये जो पंक्ति है गर्ल्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण, चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी। मैंने अपने फ्रेंड से कहा था चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, ये पापियों को हक नहीं की नहीं है परीक्षा तेरी। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। और आपने महाभारत देखी होगी सभी ने, महाभारत किस लिए हुई, द्रौपदी का चीरहरण, तो उसके लिए हमेशा बच्चन साहब लिखते हैं चुनर उड़ा के ध्वज बना, चुनर उड़ा के ध्वज बना गगन भी कब कपाएगा, चुनर उड़ा के ध्वज बना गगन भी कब कपाएगा, और अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा, अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। और जला के राख कर उन्हें, जला के राख कर उन्हें जो पापियों का जाल है, जला के राख कर उन्हें जो पापियों का जाल है, और फॉर गर्ल्स तू आरती की लाओ नहीं, तू आरती की लव नहीं, तू क्रोध की मशाल है, तू खुद की खोज में निकल, तू किसी लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। और मैं अब ऐसा कहेंगे मेरे दोस्तों बैठे हुए कहेंगे केवल लड़कियों के लिए बोल रहे हैं, तो तुम लोगों के लिए बहुत ही अच्छी चीज, ये भी हरिवंश राय बच्चन जी की है, वो कहते हैं और खासकर स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि मेरी एक नचिकेता में पढ़ा हूं तो वो स्टूडेंट भी बैठी हुई है, तो उसके लिए भी मैं बोलूंगा, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाए कुछ कर जाए, सूरज सा तेज नहीं मुझमें दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हर रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। और बस एक मिनट, और इसी चीज में हरिवंश राय बच्चन जी ने एक रचना लिखी मधुशाला, पेरेंट्स बैठे हुए हैं दे ऑल आर टॉकिंग अबाउट मधुशाला, लुक आज की पीढ़ी मधुशाला पढ़े, मधुशाला क्या, आदमी थका हुआ निराश है, आदमी थका हुआ निराश है तो कहां जाएगा, मधुशाला जाए, मैं तो विरोध करता हूं बिल्कुल नहीं रहता है, घर में इतनी परेशानी हो जाती है इसी कारण, तो उसके लिए इसी शहर के जबलपुर संस्कारधानी के डॉक्टर हरिशंकर दुबे धीरे के बाधित है, उन्होंने रचना की पाठशाला, मैंने उसको पढ़ा, उसमें वो क्या लिखते हैं, कहते नाली में जब पड़ा हुआ था मद पी करके मद वाला, ध्यान से सुनिएगा, नाली में जब पड़ा हुआ था मद पी करके मद वाला, उसके मुख में अभिसिंचन करता ये खजरा कुत्ता पाला, और आगे बढ़कर खले मनुष्य ने उसको दिया सहारा था, और गिरी हुई मधुशाला को तब उठा रही थी पाठशाला। ये हमारी मुस्कान स्कूल है,
ये है पाठशाला। तो पाठशाला का इफेक्ट मैं समझता हूँ कि धर्मशाला से ज्यादा है। और आई वुड लाइक टू थैंक द एजुकेशन एसोसिएशन आल्सो बिकॉज़ दे गिव मी द प्लेजर टू स्पीक ओवर हियर इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू। थैंक यू राधे राधे। और एक चीज और, आज बैठती है तो मैं ये कहूंगा कि अब दुर्गा जी के लिए कुछ ना कुछ तो बोलना चाहिए हमको, है ना? क्यों नहीं? सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते राधे राधे। कोई भी